hello students i hope you are doing well i am your new math teacher yamin dasariya from now onwards i am taking your Maths for standard 5th let's start with the first chapter okay students so in video we will see overview of the chapter that is टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर हम ये वीडियो में देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन से कौन से टॉपिक है तो फर्स्ट ये चैप्टर का नाम क्या है द फिश टेल डोंट कन्फ्यूज़ टेल का मतलब होता है स्टोरी और टेल का मतलब होता है पूंछ तो ये चैप्टर फिश की कहानी के बारे में है ठीक है फिश की कुछ स्टोरीज हैं जो हम ये चैप्टर में देखेंगे और उसके रिलेटेड कुछ सम्स रहेंगे तो वो भी हम देख लेंगे सो दिस चैप्टर स्टार्ट्स विथ पोएम्स इन थ्री लाइन्स इन जापान दिस पोएम्स आर नोन एज हाइकू चैप्टर के स्टार्ट में कुछ पोएम्स दी गई हुई है जो छोटी छोटी पोएम है जापान में उसे क्या कहा जाता है हाइको तो हम कुछ पोएम्स सीखेंगे यहाँ पे आपने भी बचपन में पोएम सीखी होगी स्पेशली मछली वाली जैसे कि मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ तो डर जाएंगी बाहर निकालो तो मर जाएंगी है ना आपने लोअर स्टैंडर्ड में ऐसी पोइम सीखी होगी देन सम नेम बेस्ड ऑन द फिश कुछ नाम रखे जाते हैं हमारे फिश के बेसिस पे तो हम वो चैप्टर में देखेंगे फिर डिफरेंट फिश ड्राॅइंग्स आप जैसे बच्चों ने आप जैसे स्टूडेंट्स ने बहुत प्यारी प्यारी ड्रॉइंग्स बनाई हैं ये चैप्टर में तो वो सब ड्रॉइंग्स भी देखेंगे और कोई टास्क देंगे जहाँ पे आप भी अलग अलग ड्राइंग बना सको ओके वेरी गुड देन नेक्स्ट देर आर सम नेम बेस्ड ऑन द फिश जैसे मैंने कहा कि कुछ नाम है जो फिश के ऊपर से हमें बताए गए हैं देन डिफरेंट साइजेस ऑफ फिश अलग अलग साइज़ की फिश होती है कोई छोटी फिश होती है या कोई बड़ी फिश होती है सबसे बड़ी फिश होती है वेल शार्क जिसकी ड्राइंग आपको आगे चैप्टर में दिखाई गई है छोटी फिश होती है बड़ी फिश होती है बहुत बड़ी फिश होती है सब हम ये चैप्टर में लर्न करेंगे और ऐसे देखो नीचे प्यारी प्यारी ड्राइंग बनाई गई है फिशेस की आपको भी बनानी हो तो आप भी बना लेना देन एक और टॉपिक है द फिश टेल अब यहाँ पे ये टेल कौन सा है पूँछ वाला टेल है और चैप्टर के नाम में जो टेल है वो कौन सा है वो टेल स्टोरी वाला टेल है स्टोरी कहानी वाला टेल है और ये टेल पूछ वाला टेल है ओके तो कंफ्यूज नहीं होना है चैप्टर का नाम है द फिश टेल मतलब एक मछली की कहानी और ये जो टॉपिक है द फिश टेल जिसका मतलब होता है मछली की पूछ फिर आता है स्कूल्स ऑफ फिश अभी स्कूल्स में आप जाते हो तो स्कूल्स में क्या होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं सेम वे में बहुत सारी मछलियों को स्कूल्स ऑफ फिश कहा जाता है वो हम टॉपिक में लर्न करेंगे ओके देन वी हैव वेराइटी ऑफ फिशेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फिशेस आपको समंदर में मिलती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिश हम ये चैप्टर में देखेंगे कि कौन से कौन से टाइप के फिश आपने देखे हैं और कौन से कौन से टाइप के फिश आपको बुक्स में दी गई है फिर नेक्स्ट टॉपिक है फिशरमैन इन दर बोट्स मतलब जो मच्छी मार होता है जो मछलियाँ पकड़ता है उसे हम फिशरमैन कहते हैं वो अपनी बोट में क्या करता है वॉट वर्क दे डू एंड हाउ दे डू वो अपनी बोट में क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं हम ये चैप्टर के अंदर वो भी देखेंगे फिर एक टॉपिक है लॉग बोट ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बोट्स जो फ़िशरमैन यूज़ करते हैं मच्छी मार जो बोट यूज़ करते हैं उसे लॉग बोट कहा जाता है ओके okay? फिर नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट अ कैच एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट व्हाट अ कैच में हम देखेंगे कि फ़िशरमैन फिश को कैसे कैच करते हैं मछलियों को कैसे पकड़ते हैं एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट के ये फिशरमैन के पास ये मच्छी मार के पास अलग अलग टाइप की बोट्स होती है वो हम ये चैप्टर में देखेंगे ओके देन द टॉपिक इज विच बोट गेट्स हाउ मच मतलब जो फ़िशरमैन बोट लेके कर मच्छी पकड़ने जाते हैं तो वो बोट कितनी कितनी मछियाँ पकड़ सकती है वो बोट की स्पीड्स क्या होती है ओके तो ये सब हम ये चैप्टर में देखेंगे फिर आता है सम बिग बिग नंबर्स आपने अभी तक कुछ नंबर सीखे होंगे जैसे टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स। अब थाउजेंड्स के बाद क्या क्या आते हैं टेन थाउजेंड्स, लेख टेन अब छोटे नंबर से लेकर अब आप बड़े हो गए वैसे नंबर भी बड़े हो गए हैं तो हम ये नंबर्स को ये चैप्टर में देखेंगे फिर एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है द फिश मार्केट आप मार्केट में वेजिटेबल्स परचेस करने जाते हो अपने मदर के साथ यस वैसे ही फिश मार्केट भी होता है जहाँ पे लोग मछली खरीदने जाते हैं तो वो मछली खरीदने में कैसे हेल्पफुल होगा ये हम ये द फिश मार्केट के टॉपिक में देखेंगे ओके देन वी हैव वूमन्स मिनकर बैंक ये एक प्यारा सा टॉपिक है जहाँ पे जो मच्छी मार होते हैं उन्होंने एक अपना छोटा सा बैंक बनाया होता है वो बैंक में कैसे वर्किंग होती है क्या क्या होता है हम देखेंगे और फिर लास्ट में टॉपिक आता है वाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री अब ये लोग कहते हैं क्यों ना हम भी एक फ़िश की फैक्ट्री खोल दें लेकिन अब फिश की फैक्ट्री कैसे खोलनी वो हम ये चैप्टर में देखेंगे ओके अब आती है बारी रिविजन की अब हम जब फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स का सब्जेक्ट प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैं उसके पहले चाहता हूँ आप ये फॉलोइंग टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर दें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और वन टू फिफ्टीन के टेबल्स अब एडिशन तो वन प्लस वन तो सबको आता है टू प्लस टू तो सबको आता है तो एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स जैसे हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड हंड्रेड एंड प्लस टू हंड्रेड ट्वेंटी टू ऐसे जो बड़े बड़े नंबर का एडिशन है उसका रिविजन करें फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ थ्री नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और थ्री नंबर ये सबका रिविजन कर ले तो आपको फिट्स फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स एकदम ईजीली आएगा ओके okay? सब लोग रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट टाइम वेरी गुड आपको ये रिविजन आपकी मैथ्स की फेयर बुक में ही करना है एडिशन के रिलेटेड कोई भी तीन एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड कोई भी तीन एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो मल्टीप्लीकेशन के रिलेटेड कोई भी तीन एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो और लास्ट में वन टू फिफ्टीन के टेबल आपको लिख के लाने हैं ओके okay? तो इसी के साथ हमारा ओवरव्यू ऑफ अ चैप्टर ख़त्म होता है और हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब हम चैप्टर के फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे ओके okay? बाय